प्रधानमंत्री आज अपने बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान कुछ असत्य भाषण भी रखे हैं। बंगाल में आप हार गए, 2021 में आप हार गए, बीजेपी हार गई, और हाल ही में 2023 पंचायत निर्वाचन में भी भाजपा हार गई। इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो विजयी हुई है, 2021 में जीती है, 2023 में जीती है, उसकी विजय को आप जो है एक अलग सा रूप देना चाहते हैं। आप करते हैं कि बंगाल में संतरास हुआ, वायलेंस हुआ, किसने किया? भाजपा। कौन शुरू किया? भाजपा। किसने वीडियो बनाए? भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी वायलेंस भी करती है, उसका वीडियो बना के उसको प्रचार करके सोचती है इससे फायदा ले। बंगाल में ये नहीं चलेगी। बंगाल पे आप कहते हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करती है। कहा हम लोग और सारे भारतवर्ष देख रही है कि अत्याचार हो रही है भाजपा जहां सरकार बनी है उन राज्यों में, जैसे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आदिवासियों दलितों पे ऊपर पेशाब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, मारा जाता है, खून किया जाता है, उन पे बलात्कार किया जाता है, और आप कहते हैं बंगाल के आदिवासियों को नहीं देखती है ममता बनर्जी? असत्य भाषण। सीएजी की रिपोर्ट हाल ही में ये कहा है कि आयुष्मान भारत बोलिए या और भी जो केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप्स आए हैं, सीएजी ने कहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? आपके भाजपा के सर्वभारतीय सभापति कहते हैं अपने कार्यकर्ता को आपकी उपस्थिति में कि प्रधानमंत्री जितने भी व्यस्त हो लेकिन अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बात करने के लिए वो अपना समय निकालते हैं। जरूर आप निकालते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए आपके लिए समय नहीं था। बंगाल के विषय आपके जो भाषण में आज आया है, बंगाल से इस तरीके के सौतेला सलूक क्यों, क्यों इस तरीके की सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हमारे सवाल यहां पे है, हम लोग प्रतिवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है और हम लोग के भी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये असत्य भाषण क्यों? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।